Hello, G. Welcome to My Style, My Fitness. I'm Ravi Sapra, and this is second week of lockdown going on. और हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका इन दिनों में वाटर इनटेक काफ़ी लो हो गया होगा, जैसे कि कभी प्यास लो ज़्यादा लग नहीं रही और जब लगी तो खाली दो घूंट पिया और चल दिए। ऐसे में हमारी बॉडी में कई सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारी कई सारी बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो खाली नियमित रूप से पानी पीने से ही ख़त्म हो जाती हैं। इंडाइजेशन नहीं होती पेट के अंदर, कोई केमिकल इंबैलेंस नहीं होता, गैस्ट्रिक नहीं होता, हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन्स पैदा ना हो उसे डिटॉक्सिफाइड रखने के लिए, हमारा ब्लड को प्योरीफाई रखने के लिए, हमारे किडनी और लीवर ढंग से फंक्शन करते रहें उसके लिए हमें प्रॉपर वाटर वॉल्यूम लेते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी भी क्लीन रहती है। हमारे जैसे आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 70% से ज़्यादा वाटर कंटेंट है, तो उसमें अगर हम नियमित रूप से पानी ना पिएं तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर घर कर सकती हैं। ऐसा कहते हैं कि बच्चों के लिए 1 से 1.5 लीटर डेली, एडल्ट्स के लिए 2 से 3 लीटर्स, और जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए गुड 3 से 4 लीटर्स डेली बेसिस पे होना ही चाहिए, ताकि आपके शरीर में कभी पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन कभी ना हो। अब आजकल तो वैसे भी गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों के अंदर आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं पीने के लिए। आप शिकंजी पी सकते हैं, आप कोई शरबत पी सकते हैं, आप गन्ने का रस पी सकते हैं, आप कोई फ्रूट जूस पी सकते हैं, आप कोई छाछ हो गई, लस्सी हो गई, मट्ठा हो गया, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट हमेशा एप्ट रहे। और मैं पर्सनली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड से फ्रीज दिया जाता है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर और टॉक्सिन्स पैदा कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को छोड़ के बाकी कोई भी और चीज़ ले सकते हैं। और दोस्तों, खाने के साथ हमको कभी भी पानी नहीं लेना चाहिए। खाना खाना शुरू करने से आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद हमको पानी पीना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा प्यास लगती है खाना खाते हुए, तो आप कोई सैलेड ले सकते हैं, उसमें भी अच्छा वाटर कंटेंट होता है। उसके अलावा आप जैसे छाछ हो गई, लस्सी हो गई, इस तरह की चीज़ें आप पी सकते हैं, ताकि आपकी अगर आप खाना खाते हैं आपको ज़्यादा प्यास लगती है तो आप उसको तर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपके लिए 5 बेसिक एक्सरसाइज लेके आया हूँ, जो आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी टेक्निकल असिस्टेंस के। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, तो ये थी मेरी आज की 5 बेसिक एक्सरसाइजेस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ऐसी ही वीडियोस और लाता रहूँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।